मदरसों को लेकर सरकार जो मदरसे बंद करने भाई आईडी नीचे कर लो भाई नेटवर्क का आईडी नीचे करो ताकि बच्चों का नीचे अंधकार में पड़ जाएगा करीब 9000 चल भाई आईडी थोड़ी सी नीचे पहुंच ये अल्पसंख्यक आजकल मुसलमान भाइयों के विरोध में काम करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी सरकार है। और देखिए आज जो बजट आया है ये केवल जनता के साथ धोखा है। बजट में कुछ है ही नहीं, जबकि अभी मार्च में जो बजट सत्र आया था वो तो खर्च कर नहीं पाए। तो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को गच्चा देने का काम किया। यार आप लोग अपने को संभाल नहीं पा रहे हो। हाँ बोलो, क्या बोलना है? हम पीछे हो जाते, आप वही रुके रहो, पीछे करो यार, आईडी तो नीचे करो। बजट के बारे में किस तरह से अनुपूरक है, कल प्रस्तुत हो गया है। प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक लाया जाता है। कल अनुपूरक लाया गया है और विकास को एक नया मुकाम मिले इसका प्रयास किया जाए। समाजवादी पार्टी का एक धोखा है, बजट आया है वह सिर्फ एक धोखा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, समाजवादी पार्टी ही एक धोखा है। सर आज हिमाचल को लेकर विधानकरण और पेपर लीक को कल लेकर जो विधेयक पारित हुआ है, देखिए जो कानून आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, समय समय पर जिस प्रकार की परिस्थितियां होती उसके हिसाब से कानून बनाने का काम, विधेयक लाने का काम सरकार करती रही है और उसी के क्रम में यह भी आया है। शिवपाल यादव बोल रहे हैं कि 2027 में जो है फिर से उनको साथ मिलेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे। देखिए अगर इस तरह की बात समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं तो इसका साफ मतलब है कि वो राजनीतिक दुर्भावना से इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी सीटें हैं जितना इंडिया अलायंस गठबंधन पूरा कॉम्बिनेशन जितना उनका नहीं है, उतना भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले सीटें हैं। और हमारी जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो सहयोगी दलों के साथ, हम पूर्ण बहुमत के साथ देश में फिर से तीसरी बार आए हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इसको समाज ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी नेतृत्व को गले लगाया है। विधानसभा का सत्र प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही अहम होता है। प्रदेश के विकास के लिए जो भी जरूरी चीजें होंगी उन चीजों को हम जरूर पूरा करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ईमानदारी से प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए धरातल पर काम कर रही है।